बड़े कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। सैम पित्रोदा ने अमेरिकी विरासत कानून के आधार पर भारत में चर्चा की बात कहकर एक नया शगुफा छोड़ दिया, जिसके बाद से बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है कि वो देश के आम लोगों की संपत्ति को हड़पने का काम करने की नीयत से आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर आजकल एक अल्फाबेट क्विज चल रही है, जिसमें दो कीबोर्ड्स के बीच के अक्षर को पूछकर पहेली सी बुझाई जा रही है। सियासी मामलों में एक पहेली अंग्रेजी के अक्षर R और T के बीच पढ़ने वाले एक अक्षर S से भी जुड़ी है। गौरतलब है कि इस अक्षर से सैम नाम बनता है, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं उन्होंने आखिर ऐसा क्या कहा जिसके बाद वो खुद और उनकी पार्टी निशाने पर आ गई है। In America, there is an inheritance tax. अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स की व्यवस्था है। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद बच्चों को केवल 45% संपत्ति ही मिलेगी और बाकी का 55% सरकार ले लेगी। ये काफी दिलचस्प कानून है। ये कहता है कि आप अपने दौर में संपत्ति जुटाओ और अब जब आप जा रहे हो तो आपको अपनी धन संपत्ति जनता के लिए छोड़नी होगी, सारी नहीं लेकिन उसकी आधी, जो मेरी नजर में अच्छा है। I don't know what the conclusion would be at the end of the day, but when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies. कांग्रेस की तरफ से संपत्ति के बंटवारे वाला बयान नया नहीं है। खुद उनके नेता राहुल गांधी संपत्ति का सर्वेक्षण करने और लोगों के बीच बांटे जाने की बात कर चुके हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा के निशाने पर है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे को जनसभाओं के दौरान पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सैम पित्रोदा के बयान के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि घोषणा पत्र बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए, वो कांग्रेस के घोषणा पत्र से जुड़ा है। कांग्रेस पार्टी कम्प्लीटली एक्सपोज हो गई है। इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। ये संतान विरोधी भी और सनातन विरोधी भी दिख रहे हैं। आपकी संतानों की संपत्ति को छीनने के लिए वसूली टैक्स कांग्रेस लगाने वाली है, सनातन को कुचलने के लिए वोट बैंक की राजनीति में और नीचे गिरने वाली है। लगातार हो रहे सियासी हमलों के बाद कांग्रेस पूरी तरह से इस मामले में बैकफुट पर है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस के विचारों को जाहिर नहीं करता है। मैं साफ कहना देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी पूरे मुद्दे पर चाहे जितना स्पष्टीकरण दे दे, सैम पित्रोदा ने उनके लिए मुसीबत तो खड़ी ही कर दी है। वे कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हैं और ऐसे में उनका बयान कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में परेशानी पैदा करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।